बहुत बहुत स्वागत है जीटेस एनालिसिस के नए एपिसोड में। और यहाँ पे गाइस मैं आ गया हूँ लॉस सैंटोस लिबर्टी सिटी से, और लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस का मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। और मुझे यहाँ पे पिकअप करने आया है बिग स्मोक। ये देख सकते हैं गाइस, बिग स्मोक मुझे यहाँ पे पिकअप करने के लिए आ चुका है। और इसने SUV लाई है जिसमें हम बैठ के अभी जाने वाले हैं हमारे घर पे, यहाँ पे गाइस ग्रु स्ट्रीट में। और मैंने सुना है ग्रु स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये है हमारे पंटर लोग जो कि ये बिग स्मोक लेकर आए इन तीनों को। तो अभी जल्दी से ऐसे निकलते, मैं इनको बोल देता हूँ कि चलो जल्दी से अभी निकल लेते क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। लोग ग्रू स्ट्रीट पे पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन इसने मुझे बताया कि इसका पूरा एक गैंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ग्रीन गैंग कुछ इसका ऐसा है, कुछ तो नाम है ग्रू स्ट्रीट फैमिलीज नाम है गाइस उसका। और यहीं पर हमारा घर है शायद, और ये रहा ग्रू स्ट्रीट गाइस, और ये रहा हमारा घर, ये है सीजे हाउस जिधर हम लोग अभी रहने वाले हैं। हम लोग अंदर पार्क नहीं करेंगे, इधर ही पार्क कर देते क्योंकि बिग स्मोक की गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है। तो भाई बिग स्मोक उतर जाए, और इसके पंटर सब चले गए बीच में ही उतर गए सब पंटर लोग। तो अभी ये बिग स्मोक मुझे यहाँ पे लेकर आया है मेरे घर पे। तो अभी मैं देखता हूँ मेरा घर कि कैसा है अंदर से, और यहीं पर अभी मैं रहने वाला हूँ लॉस सैंटोस में। लिबर्टी सिटी वापस मैं जाने वाला नहीं हूँ अभी, तो ऊपर रूम है शायद हमारा, ये रूम लॉक है। ओके सो ये रहा हमारा बेड। तो अभी मैं जल्दी से अपने बिग स्मोक को बोल देता हूँ कि बाय बाय, और वो अपने घर चला जाएगा और मैं भी यहाँ पे अभी रहने आ जाऊँगा। सो गाइस बिग स्मोक अपने घर चला गया, और मैंने अभी तक अपनी बैग भी नहीं उतारी। तो घर पे जाते और जल्दी से बैग भी उतारते, फ्रेश होते, कपड़े वपड़े चेंज करते, उसके बाद हम लोग जाएंगे लॉस सैंटोस घूमने। सो गाइस यहाँ पे मैं फ्रेश हो गया, और मैं यहीं पे अभी घूम रहा था, और मुझे राइडर का कॉल आया। राइडर मेरा एक बहुत ही ज़्यादा पुराना दोस्त है, तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे पूछा कि तू लॉस सैंटोस आया है, तो मैंने बोला हाँ। तो वो अभी यहाँ पे मुझे मिलने आ रहा है अपनी गाड़ी लेकर, तो मैं अभी उसका वेट कर रहा हूँ यहीं पे। तो बस यहाँ पे राइडर आ चुके हैं, और राइडर की कार देखो भाई, ये है लेफ्ट फरारी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसकी कार देखो ब्लैक कलर एडिशन है, और गाइस क्या कलर है इसका और क्या कार है भाई। तो ये राइडर की कार है, और राइडर और मैं अभी जाने वाले बीच पे। मैंने इसको बोल दिया कि मैं आज इसकी कार ड्राइव करूँगा, तो ये जल्दी से बैठ राइडर, अभी हम निकलते हैं सीधा बीच के लिए। सो इस कार की स्पीड देखो भाई, 60-70 तो आराम से टच कर रही है। बस मैं ठोकना दूँ नहीं तो राइडर मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, वैसे अपना पुराना दोस्त मुझे कुछ इतना बोलेगा नहीं। तो अभी यहाँ से सीधा चलते हैं बीच, क्योंकि हम अभी उधर जाके चिल करने वाले हैं। सो गाइस हम लोग फरारी लेकर पहुंच चुके हैं बीच में। गाइस बीच तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस बीच का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, वर्सोवा बीच नहीं है, कुछ तो अलग ही नाम है इस बीच का, मुझे याद नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बीच पे पहुंच चुका हूँ। राइडर की कार यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। मैं इसे पूछता हूँ कि कहाँ से ली, कितने में, मुझे भी लेनी है, वैसे हम लोग के पास पैसा तो है नहीं। और राइडर मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे बीच में एक फ्लैट है, मतलब एक घर है, बंगलो है, जो कि रेंट पर मिल रहा है, तो अगर तुझे चाहिए तो अभी तू ले ले, लेकिन अभी मेरे पास पैसों की तो कमी बहुत है, क्योंकि अभी अभी लॉस सैंटोस में आया हूँ, कुछ काम ढूंढने आया हूँ, तो इसलिए मैं अभी फ्लैट कार कुछ खरीदने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। लेकिन वो फ्लैट मतलब वो घर बंगलो हम बोल सकते हैं, वो देखने तो जा ही सकते हैं, उसमें थोड़ी पैसा लगेगा। तो बंगलो देखने जाते और देखते कि कैसा है, फिर उसके बाद सोचेंगे। वैसे तो लेने तो वाले नहीं, तो सोच के भी क्या फ़ायदा, क्योंकि अभी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जल्दी से देखते, इधर ही मुझे उसने बताया कि वो फ्लैट है, तो देखते हैं किधर है। फ्लैट क्यों बोल रहा हूँ गाइज, मैं बंगलो है बंगलो। सो यहीं पे कहीं, तो यहाँ पे रही पार्किंग, अच्छा ये रहा ये रहा, ये इसकी बात कर रहा था राइडर मुझे कब से। तो यहाँ पे हम कार पार्क कर देते और देखते कि कैसा है ये, मुझे लेना चाहिए या नहीं। नहीं सॉरी, लेऊँगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसों की कमी है। सो बस देखते कि कैसा ही है। तो बंगलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ले तो सकते नहीं है। तो अभी फरारी लेकर हम लोग जल्दी से ऐसे निकलते, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग बाहर है, और मुझे अभी ज़्यादा जाना है जल्दी से घर पे। और गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो कल के एपिसोड में हम बिग स्मोक और मैं कुछ काम के सिलसिले में किधर तो जाने वाले, तो वो आप देखोगे। और आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड में मैं कोई तो बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।